सीताराम बाग पे पुलिस की रक्षक की नेग्लिजेंस के वजह से एक 7 साल का बच्चा हर्षवर्धन का इंतकाल हो गया, वो मर गया। और इमीडिएटली मैं पुलिस कमिश्नर से अभी बात कर रहा हूँ और पुलिस कमिश्नर ये बात बोले कि हम उसको इमीडिएटली अरेस्ट करेंगे, जेल को भेजेंगे और उसको सस्पेंड कर देंगे। और रही बात कांग्रेस पार्टी से फिरोज खान, बराबर गवर्नमेंट को उसका एक्सग्रेस दिलाएंगे, उसका डैमेज दिलाएंगे, जो आपके लफ्ज़ों में कंपनसेशन बराबर करेंगे। और उनकी वालदा और उनके वालिद से और उनके ख़ानदान से बात करके और जो कुछ भी होना हो, बराबर लीगल एड होना या और कोई मदद होना, इंशाल्लाह हम बराबर करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, धन्यवाद। छोरी चुपके से पीछे से लेके आए बच्चे को, क्या लेके आके छोड़ दिया साहब? हम लोग यहाँ आए बोलते हैं चाला ఇప్పుడు చేసేది ఏం నాకు చెప్పు, కోటి అదే కదా మాది ఇప్పిస్తాం చేస్తాం చేస్తాం అమ్మా అమ్మా ఫస్ట్ ఇదమ్మా ఇది ఏదైనా ఉంటే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఓకే, చాలా అన్ఫార్చునేట్ ఇప్పుడు వారికి జైలుకి పంపిస్తాను, సస్పెండ్ చేపిస్తాం, కోర్టులో వారికి సజా ఇప్పించి మీరు చెప్పిన లాగానే చేద్దాం. మీకోసమే వచ్చిన మీరు ఏం పిచ్చది చేద్దాం. मैं कमिश्नर से बात करा, इन्होंने से भी बात करा, कमिश्नर बोला सस्पेंड कर देते और जितना भी तुमला है जाओ कोर्ट पे जाओ उसको सजा दिलाओ, क्या करो बोले और फिर वक्त तो ये कर देंगे किशोर ने लाइन जैसे कपड़े बाजी चेसे और डायरी साइन करता तक कर देना दान ने रन ना तो किशोर ने कूड़ा ऐड जस्ट ऐड ऐड किशोर लिख दो డ్రైవర్ తో పాటు కిషోర్ కుమార్ కూడా అదే వెహికల్ లో ఉన్నాడు. ఇద్దరు పైన రాయండి, ఇద్దరు పైన యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. టీసీసీ కెమెరాలు ఉంటాయి, ఆడే వచ్చాడు వచ్చిన వాళ్ళు ना महिला वाले मैंने आके नहीं दिया, यहाँ भी कोई नहीं दिया, लीगल तरीके से अपन करेंगे. अब जो है वो तो जो क्राइम हुआ अनफॉर्चुनेट है, ये क्राइम पे उसको सजा दिलाएंगे, उसको सस्पेंड करवा देंगे. अभी उसको अरेस्ट करवा दिया और मैं बोला उन्हें पीके था उसको टेस्टिंग करो बोला, तो कमिश्नर डीसीपी पूरे बोले यस बोले. कंपनसेशन देना है तो अपन लीगल तरीके से कल इनका जो भी हो जाता उसके बाद में डे आफ्टर टुमारो कलेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे. पैसे 20,000 रुपये लेके घरों को चेक दे के फिर रिटर्न ले सर, देने को आना ना सर, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्व है इसमें? कौन सा चला सारी सेवा से याज गारंटी के दो घर गिर गए. కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము టీఆర్ఎస్కి ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తాం, కానీ న్యాయంగా ఎట్లా సపోర్ట్ చేయాలి చెప్తున్నా. విక్రమ్ కూడా అర్థమవుతుంది. మీరు చేస్తాను మా ఫ్యామిలీ పోతాం దోషం సార్, మాకు నమ్మకం ఎట్లా కాదు, కానీ మీరు ఇవాళ కూర్చునే
सुन मेरी बात, जोश वो जोश में रहते नहीं समझता, तुम और हम तो दुनिया देखे ना, तरीके से काम करेंगे, हक उनको दिलाएंगे, नहीं दिलाने का सवाल इसमें नहीं है, सिंपल बात है। अभी उनको इमीडिएटली सर उसको अरेस्ट करें, हमारा अंडर में, हाँ अंडर है ना, राइट, अरेस्ट कर दे रहे हैं उसको, मैं सस्पेंड भी कर दे रहे हैं, साहब से भी बात करा, जेल को भिजाते हैं, सिर्फ जेल को भिजा देते हैं, राइट। उसके बाद में जो भी है ट्रायल कोर्ट में तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे तो उसको सजा भी गिरती, सिंपल बात। रही बात आप काम पर जिसे दिलाना, उन्हें गरीब है, राइट, उसको नुकसान देना, गवर्नमेंट को बराबर बोलेंगे, नहीं दिए कोर्ट पर फाइल करेंगे, डैमेज को डालेंगे, कोर्ट दिलाएंगे, जो भी काम करेंगे लीगल काम करेंगे, इलीगल ना करो, इमीडिएट बोल दिया ना, बोल दिया, हो गई बात, जो भी डैमेज है गवर्नमेंट को जाएंगे, मूव करेंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, मिलेंगे गवर्नमेंट के जो भी है मिलेंगे, बात करेंगे, होम मिनिस्टर से बात करेंगे जाके, साहब ये है क्या कर रहे हैं आप, इंसाफ क्या कर रहे हैं, बात करेंगे, राइट। सीपी के पास जाएंगे, बैठेंगे अंजनी साहब के साथ में, डीजीपी के पास जाएंगे, जो भी करेंगे एक सीरियल हक और ईमान का काम करके, जो भी उनको नुकसान हुआ अपन भर तो नहीं सकते क्योंकि उनका 125 करोड़ का बच्चा मर गया, राइट, जो भी है अपन करेंगे, और ज़रा सेंसिबल दिमाग से काम करो,